पूरे YouTube पर आज तक किसी ने आपको इतनी आसान और इतनी जल्दी बनने वाली सांभर रेसिपी नहीं बताई होगी, तो इसको मैं आज बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है अरहर की दाल यानी कि तूर दाल। यहाँ एक कटोरी ले रखी है मैंने, इसको मैंने भिगोया नहीं है। इसको लेने के बाद अच्छे से हम वॉश करेंगे, दो तीन बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे हम। यहाँ पर मैंने एक लौकी और एक टमाटर ले रखा है। आपके पास अगर कद्दू हो और ड्रम स्टिक यानी कि सहजन की फली की जो फली है वो भी आप डाल सकते हो। इसके बाद लौकी को कट करेंगे और मोटा मोटा काट लेंगे, क्योंकि सांभर में जो सब्जियां आती हैं टेस्ट उसी का आता है, वो मोटा मोटा क्रंची क्रंची थोड़ा सा होता है गली हुई। तो बस यहाँ पर हमने लौकी काट ली है और टमाटर को भी थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटेंगे हम। टमाटर लौकी कटकर तैयार हो गई है। हमने इमली रखी है, इमली को हम 15 से 20 मिनट के लिए भिगोने रख दे रहे हैं। अब बनाएंगे हम अपनी सांभर जो है कुकर में। तो सबसे पहले हम कुकर में तेल डालेंगे। अभी मेरी बेटी आ गई है तो उससे बात कर रही हूँ मैं। और इसमें डालेंगे राई, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, लौकी, टमाटर। हमने इससे पहले छौंका लगा दिया है और सब्जियां मिला दी हैं। अब देखिए इसको अच्छे से हमें टॉस करना है, अच्छे से मिलाना है इनको हमें। मसाले धनिया मिर्चा हल्दी और ये सांभर मसाला है 1 टेबल स्पून भरकर अच्छे से हमको फिर से सौटे करेंगे। और जो हमारी तूर दाल थी उसको भी मिलाएंगे। इन सभी को मिलाने के बाद टेस्ट अनुसार नमक और पानी डालकर 4 से 5 सीटी इसमें हम लगाएंगे। एक कटोरी दाल है तो यहाँ पर मैंने 4 कटोरी पानी डाला है, उससे ज्यादा ही डाला, थोड़ा 5 कर दिया मैंने। और 4 से 5 सीटी लगानी है हमको यहाँ पर। देखिए दाल हमारी, ये हमारी सांभर बनकर तैयार हो गई है। अभी कंप्लीट नहीं बनी हुई है, रई से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। देखिए परफेक्ट है, आप चाहो तो पानी ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम इमली का पानी इसमें डालेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको फिर से बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। बॉयल हो गया है, हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि इमली डाला है, हल्का नमक कम हो सकता है। इसके बाद लगाएंगे हम तड़का अपना स्पेशल तड़का। तो राई, थोड़ा सा हींग, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, खड़ी मिर्च और लास्ट में सांभर मसाला। और इसके बाद ये तड़का लगा दिया और बनकर तैयार हो गया हमारा सांभर। और मैंने आपसे कहा ना, पूरे YouTube पर इतनी आसान तरीके से किसी ने नहीं बनाई होगी आज तक ये सांभर रेसिपी। तो इसको आप बनाइएगा और एंजॉय करिएगा इडली के साथ, डोसे के साथ। और ये तैयार है हमारी स्पेशल सांभर।